हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है वंशावली विश्लेषण क्या है या विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है। तो वंशावली विश्लेषण की बात करें तो मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव पर भी अनुवंशिकी के नियम अन्य प्राणियों की भांति लागू होते हैं और इन्हीं के अनुसार अनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। प्राकृतिक तथ्यों को जानने के लिए वैज्ञानिकों को जीव जंतुओं पर अनेक प्रायोगिक परीक्षण करने पड़ते हैं। मानव पर प्रयोगशाला में ऐसे परीक्षण नहीं किए जा सकते हैं। अतः मानव अनुवंशिकी के अधिकांश तथ्य जन समुदायों के अध्ययन एवं अन्य जीवों के अनुवंशिकी पर आधारित है। मानव के अनुवंशिक लक्षणों या विशेषकों का पता लगाने के लिए सर फ्रांसिस गिल्टन ने दो विधियां बताई। पहला, कुछ विशेष अनुवंशिक लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले मानव कुटुंबों की वंशावलियों का अध्ययन। दूसरा, युग्मजों के अध्ययन से अनुवंशिक एवं उपार्जित लक्षणों में भेद स्थापित करना। ठीक है, हार्डी एवं बिनवर्ग ने पूरे जन समुदायों में अनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण करने की विधि का अध्ययन किया। ठीक है, मानव अनुवंशिकी में वंशावली अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है जिसका उपयोग विशेष लक्षण असामान्यता या रोग का पता लगाने में किया जाता है। सो थैंक यू।